भूतिया तालाब। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भूतिया तालाब था। वो तालाब एक लालची साहूकार का था। वो अच्छे खासे पैसे देकर मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए भेजता था। एक दिन अचानक से एक मछुआरा मछली पकड़ते हुए पानी में डूबने लगा। वहीं पास से एक गांव वाला गुजर रहा था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे कोई पानी के अंदर खींच रहा है। नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए इस तालाब में आया तो मैं भी डूब जाऊंगा। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। आदमी खड़ा मछुआरे को डूबता हुआ देखता रहा और देखते ही देखते भूतिया तालाब ने मछुआरे को पानी में अंदर खींच लिया। फिर वो गांव वाला भागता हुआ साहूकार के पास आया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। कौन है? मैं शंकर हूँ सेठ जी, जल्दी से बाहर आइए। क्या बात है शंकर? आपके तालाब में जो मछुआरा मछली पकड़ रहा था वो पानी में डूब गया। ये तो बहुत बुरा हुआ शंकर, तुम अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। शंकर देखो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये तुम पैसा रख लो और इस बात को भूल जाओ और गांव में और किसी से कुछ नहीं कहना। क्योंकि शंकर बहुत ही लालची था, वो साहूकार के पैसे लेकर किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप अपने घर आ गया। उधर मछुआरे के घर में उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित थी। उसका पति अभी तक घर नहीं आया था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उसकी पत्नी साहूकार के घर जाती है। कौन हो तुम? मैं जितेश मछुआरे की पत्नी हूँ। आज बहुत देर हो गई, अभी तक वो घर नहीं आए। मुझे भी नहीं पता, शायद किसी काम से कहीं और चला गया होगा। फिक्र मत करो, वह आपस आ जाएगा, तुम अब घर जाओ। मछुआरे की पत्नी वापस घर आ जाती है और सुबह होते ही उसकी पत्नी तालाब के पास जाती है और देखती है उसके पति का सामान तालाब के किनारे ही रखा हुआ होता है। वो अपने पति का सामान वहाँ देखकर सोच में पड़ जाती है कि उसका पति इस तरह कहाँ गायब हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी उसकी नजर वहाँ काम कर रहे दूसरे मछुआरे पर पड़ती है और ये क्या, अचानक से वो मछुआरा पानी में डूबने लगता है और बचाओ बचाओ चिल्लाता है। वहाँ से शंकर गुजर ही रहा होता है। बचाओ बचाओ, मुझे इस तालाब से बाहर निकालो। नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, ये भूतिया तालाब है। अगर मैं तुम्हें बचाने आऊँगा तो मैं भी डूब के मर जाऊँगा। और देखते ही देखते वो मछुआरा भी पानी में डूब जाता है। जितेश की पत्नी ये सब देखकर बहुत ही डर गई और सोचने लगी कि कहीं उसका पति भी तो इस भूतिया तालाब में डूब के नहीं मर गया। फिर वो साहूकार के घर की ओर चल देती है। जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचती है, अंदर से शंकर की आवाज आ रही होती है। ठीक है सेठ जी, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो दोनों मछुआरे उस भूतिया तालाब में डूब के मर गए। ये सब सुनकर जितेश की पत्नी चौंक जाती है और फौरन ही वो ये सब बातें गांव के लोगों को जाकर बता देती है। फिर सब गांव वाले इकट्ठे होकर साहूकार के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्यों सेठ जी, जब आपको उस भूतिया तालाब के बारे में मालूम था तो आप क्यों उस भूतिया तालाब में मछुआरों से काम करवाते हो? ये सब तुम क्या कह रहे हो, ये सब झूठ है, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है। आप भोले मत बनिए सेठ जी, हमें आपकी सब बात पता चल चुकी है। फिर गांव वाले साहूकार और शंकर को बांध कर उस तालाब के पास ले जाते हैं और उन्हें डूबने के लिए तालाब में डाल देते हैं। देखते ही देखते वो दोनों तालाब में डूब जाते हैं। फिर उस तालाब में से अचानक आवाज आने लगती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं कई सालों से इस दिन का ही इंतजार कर रही थी। डरो मत, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी और अब से इस तालाब में कोई डूबेगा भी नहीं। मैं साहूकार की मरी हुई पत्नी हूँ। बहुत सालों पहले मेरा पति इस तालाब में मुझे डूबता हुआ छोड़कर चला गया था।
मैं चीखी चिल्लाई लेकिन इस क्रूर साहूकार ने मेरी जान नहीं बचाई। तभी से मैं इसी तालाब में रहती हूँ और इसी दिन का इंतजार कर रही थी। आपके साथ बहुत बुरा हुआ लेकिन मेरे पति तो निर्दोष है ना, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपा करके मेरे पति को मुझे वापस लौटा दीजिए। तुम परेशान मत हो, इस तालाब में आज तक जो भी डूबा है वो सब अपने घरों में आराम से सो रहे होंगे। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें वहीं मिल जाएगा। और इतना कहकर चुड़ैल वापस तालाब में चली जाती है। सब गांव वाले अपने घर की ओर लौट जाते हैं। जब जितेश की पत्नी घर आकर देखती है तो जितेश को सोया हुआ पाती है। अपने पति को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लकी है और मैं शहर की सबसे बड़ी कॉलेज के सेकंड ईयर में हूँ। नीति और दानिश मेरे बेस्ट फ्रेंड है, जो कि वो मेरे सीनियर है और अक्सर हम लोग साथ में ही होते हैं। इस वीकेंड हमने लॉन्ग ट्रिप पे जाने का प्लान बनाया है, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली संडे के दिन हम तीनों दानिश की कार लेके निकल पड़े। तकरीबन 2 घंटे के रास्ते के बाद दानिश ने कार रोकी, जहाँ 2 टर्न थे, एक हाईवे वाला रास्ता और एक जंगल से होके जाने वाला रास्ता जो कि शॉर्टकट था। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। तभी नीति ने कहा, मुझे जंगल वाला रास्ता सही नहीं लग रहा, सुना है इस रास्ते पे बुरी आत्माएं भी है जो आने जाने वाले लोगों की जान ले लेती है, और तुम लोगों ने कभी हॉरर स्टोरीज नहीं देखी? अक्सर शॉर्टकट वाले सुनसान रास्ते जानलेवा होते हैं। ये सब सुन के मैं और दानिश जोर जोर से हंसने लगे। ओ कम ऑन नीति, तुम तो कॉलेज की ब्रेव गर्ल हो ना, और इन सब बातों पर यकीन करती हो? ये सुन के दानिश ने बिना कुछ कहे कार जंगल की तरफ ली। नीति थोड़ी परेशान थी, बट थोड़ी देर बाद उसने अपना मूड ठीक कर लिया था। 1 घंटे के रास्ते के बाद हमें कोई इंसान या व्हीकल नहीं दिखा। ये बात नीति को खाए जा रही थी, और सच में रास्ता घना सुनसान और डरावना लग रहा था। हम शायद गलत रास्ते पे आ गए थे। अचानक रास्ते में झाड़ियों में बहुत ही खूबसूरत तालाब दिखा। मैंने कहा, हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, वैसे भी हम काफ़ी थक गए थे। थोड़ी देर हमने वहाँ रेस्ट किया और तालाब इतना खूबसूरत था कि हमने वहाँ स्विमिंग करने की सोची, जो कि ये आइडिया नीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अभी हम बात ही कर रहे थे कि दानिश तालाब की ओर चल पड़ा। उसे स्विमिंग का पहले से ही बहुत शौक़ था। 5 मिनट के बाद नीति भी अपनी बैग लेकर तालाब की ओर चल पड़ी। अभी मैं कार के पास ही था, तभी नीति घबराती हुए आकर बोली, दानिश वहाँ नहीं है। मैंने कहा, रिलैक्स, क्या तुम जानती नहीं हो कि दानिश कितना शरारती है? वो मजाक कर रहा होगा, चलो देखते हैं। हम पानी के नज़दीक गए और दानिश को आवाज़ देने लगे। 5 मिनट से भी ज़्यादा हो गई थी और दानिश नहीं दिखा। अब मुझे भी डर लगने लगा था। नीति अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने तुम लोगों से कहा था इस जंगल में बुरी आत्माएं हैं, पर तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने नीति को समझाते हुए कहा, देख घबरा मत, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। एक्चुअली यहाँ सच में कोई भूत वूत नहीं है। लॉन्ग ट्रिप पे जाना, शॉर्टकट लेना, यहाँ रुकना, स्विमिंग करना, ये सब मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा था। ये पूरा तालाब का एरिया क्रोकोडाइल से भरा हुआ था, ये बात सिर्फ मैं जानता था। आज से कुछ साल पहले तब नीति और दानिश कॉलेज के सबसे पॉपुलर ड्यूड थे। मेरे कॉलेज में नए होने की वजह से दानिश और नीति हर रोज़ मुझे तंग किया करते थे, मेरे साथ प्रैंक करना, मेरा मजाक उड़ाना और मेरा तमाशा बनाना उनकी आदत बन चुकी थी। और
पूरा कॉलेज मुझ पे हंसता था। मैं अकेले में बहुत रोया करता था। उन दोनों की वजह से मुझे कॉलेज जाने से डर लगने लगा था। फिर एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं हर एक दिन का बदला लूँगा, और मैंने धीरे धीरे उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाई, उनकी गुलामी करने लगा और देखते ही देखते उनका विश्वास जीत लिया। आज मेरा बदला पूरा हो गया। आई मिस यू सो मच माई फ्रेंड्स, पर तुम लोगों को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।